Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. हुकूमत तरफा सैनेट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की चूंड लाए मुखालिफ पार्टी JUI की हिमायत हासिल करने की कोशिश PTI सैनेट में डिप्टी चेयरमैन की सीट JUI के दिन की आस कर छी वफाकी वजीर परवेज खटक सैनेट चेयरमैन सादिक संजरानी की JUI अगवान मौलाना गफूर हैदरी से मुलाकात PTI तरफा डिप्टी चेयरमैन लाए मौलाना गफूर हैदरी के वोट दियण की ख्वाहिश जाहिर वफाकी वजीर परवेज खटक है तो गफूर हैदरी के आज कई तो सैनेट में असो डिप्टी चेयरमैन बणजी वे मौलाना गफूर हैदरी PDM तरफा खेस डिप्टी चेयरमैन लाए नामजद करण का अणजाणा ही जाहिर कर छी PDM की खसूसी कमेटी भी सैनेट में डिप्टी चेयरमैन की सीट JUI के दियण जो फैसलो कर वरतो सैनेट में ओपोजिशन लीडर जो अहदो नवाज लीग के दिनों वो कमेटी PDM के सरबराह के इजलास में थियल फैसलों का आगाह कर छोड़ो जरियन चवण है तो इजलास में थियल हतमी फैसलों को ऐलान मौलाना फजल रहमान कह नवाज लीग हुकूमती आच के PDM में डार विझण की कोशिश करार दे छो राणा सनावला है तो JUI PDM के फैसलों के अमल की पाबंद होंगी डिप्टी चेयरमैन जो फैसलो PDM के प्लेटफॉर्म ताई थींदो JUI हुकूमती आज के कबूल न कंदी पीपल्स पार्टी भी सैनेट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की चूंड में हिमायत वठण लाए मुतहदा से एक भेरो बीहर राबतो करे वरतो बहादुराबाद कराची में सूबाई वजीर नासिर शाह की अगवाणी में पीपल्स पार्टी वफ की मुतहदा पाकिस्तान के अगवाणन से मुलाकात मुतहदा वफ की अगवाणी आमिर खान कई मुलाकात दौरान सैनेट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लाए चूंडन ते गाल एक जरदारी सब पे भारी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है उसको बड़ा उसकी कोई बड़ी चलाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है ये जिस तरह के हमने इलेक्शन में देखा है जो ओपनली कि पैसा चल रहा है सबको पता है जो तमाशा देखा है हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते सैनेट चूंडन जो तमाशो सभी डिसी वरतो हाने सैनेट चूंडू इं नियं ईंदड़ चूंडन लाए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल थियण घुर्जे वजीर आजम इमरान खान की वफाकी काबीना के खिताब दौरान ओपोजिशन से छिती तनकीद वजीर आजम है तो नवाज शरीफ आसिफ जरदारी जड़ा मू इकदार में अचान बाद चोरी जो पैसो बाहर उमाणींदा पैसो बाहर उमाणियों वो है तो करप्शन के कबूल जोगो बणायण लाए मीडिया के भी पैसो दिनों वो है यो ही पैसो इदार में भी हल्द है आसिफ अली जरदारी करप्शन के पैसों से मानून के खरीद कंदो है मानू वरी खेस सियासी तौर जहीन और होशियार समझन था सैनेट चूंडन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी वो नोटिफिकेशन रोकने वाली PTI की दरख्वास्त रद्द अली हैदर गिलानी की वीडियो वे मामले के बुधनी दौरान इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ इब्राहिम जरूरी न हो तो वीडियो में मौजूद मानून के भी जवाबदार जाना वे हा जिन मानून पैसा वरता उन्होंने हल्फी बयान भी दरख्वास्त में होजन घुर्जे हा रिश्वत दींदड़ वठंदड़ बई मुलविस ये ना है तो रुगो रिश्वत दींदड़ के धुर बणाए वे इलेक्शन कमीशन PTI के नए सिर दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत कर छी इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी के सैनेट चूंडन में कामयाबी खिलाफ दरख्वास्त बुधनी लाए मुकर्रर कर छी चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला की सरबराही में जुड़ियल बेंच सुभाने दरख्वास्त बुधनी कंदी PTI अगवान अली नवाज अहवान तरफा सैनेट चूंडन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी कलदम करार दियण की इस्तदा बलोचिस्तान के वे वजीर जाम कमाल की कराची में GDA सरबराह पीर फागारो से मुलाकात सैनेट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लाए इलेक्शन से गालू किंगरी हाउस कराची में मुलाकात दौरान GDA जा अगवान भी मौजूद हुआ GDA तरफा सैनेट चूंडन में सदरुद्दीन शाह के वोट न मिलने से खदशन जो इजहार बलोचिस्तान के वे वजीर भी सैनेट चूंडन दौरान सिंध में GDA से इख्तियार कल रवैये से गणती जाहिर कर छी जाम कमाल है अफसोस जो सैनेट चूंडन में पैसो हल्द है बदकिस्मती से मू शॉर्टकट साइडकट के चक्कर में रहंदा मुलाकात दौरान GDA सरबराह तरफा PTI हुकूमत से इतिहाद बरकरार रखने की खातिर नेप्रा एक भेरो बीहर बिजली 99 पैसा फी यूनिट महंगी कर छी जनवरी महीने के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जहा अघ बधाया वह
बिजली विच कंदड़ कंपनीज मार्च महीने का वधायल अघन तहत बिजली जा बिल सोगाड़ी सकंदियों। नेप्रा बिजली जा अघ वधाण जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ियो। सेनेट चूंडन में बलूचिस्तान में चूंडियल आजाद सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर पीटीआई में शामिल। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर तरफा पीटीआई में शामिल थियण जो ऐलान। मुलाकात दौरान वफाकी वजीर परवेज खटक और सैफुल्ला नियाजी भी मौजूद हुआ। सेनेट चूंडन में आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर की बीएपी और पीटीआई तरफा हिमायत कई वही हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ठेकन वे रेफरेंस में वरे वजीर मुराद अली शाह के तलबी नोटिस जारी कर छड़ा। वरे वजीर मुराद अली शाह और खुर्शीद अनवर जमाली सूधो 17 जवाबदार 31 मार्च से तलब। नैब रावलपिंडी वे वजीर सूधो 17 जणन के नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जवाबदार नामजद किया हो। नैब तरफा 66 जल्दन से बधल रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश। रिकॉर्ड में शाहिदन का बयान और वे वजीर मुराद अली शाह खिलाफ सबूत शामिल। रुगो वीडियो से मानून के इं ही फारिग कर तो असेंबली खाली थी वेंदी। इलेक्शन कमीशन नवाज लीग के सेनेट चूंडन में हॉर्स ट्रेडिंग बाबत नए सिर दरख्वास्त देने की हिदायत कर छी। बुधनी दौरान इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरेशी तो कमीशन के कड़ी खबर तो हॉर्स ट्रेडिंग में कड़ा मानू मुलविस जिन मेंबर्स पैसा वठण जो एतराफ़ किया उन्होंने दरख्वास्त में शामिल किया तो जी नोटिस जारी क्यों। दरख्वास्त गुजार वीडियो में नजर इंदड़ सभी मानून के नथा सुणन तो इलेक्शन कमीशन किए थी सुणे सके। एतमाद के वोट दौरान एक भी वोट गलत साबित थोदे से न रहद। कौमी असेंबली के स्पीकर जो ओपोजिशन के चैलेंज। स्पीकर असद केसर है तो वजीर आजम के एतमाद जो वोट देने दौरान एक भी एमएनए गायब न हो। एतमाद के वोट दौरान सारी मीडिया मौजूद हुई। सभी दिखो तो फैसल वाडा मुख्य छड़े 178 मेंबर्स ऐवान में मौजूद हुआ। केर साबित करे तो ऐवान में 178 का घट मेंबर हुआ तो अहदो छड़े दींदस। आइन में वजीर आजम तरफा पान मुरादो एतमाद जो वोट वठण की गुंजाइश ही ना है। एतमाद के वोट वक्त वजीर आजम गैर हाजिर मेंबर्स के धमकियों दिनों पर स्पीकर खामोश रो। अगोड़े वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी है तो वजीर आजम सारी ओपोजिशन के धमकियों दिनों और सेनेट चूंडन में यूसुफ रज़ा गिलानी के मानून के टोड़ो वो। एतमाद के वोट दौरान त समूरियों हदू पार क्यों व्यू। हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत कर रही है। वजीर आजम एक एमएनए के घुराए फंड्स दिना या सियासी रिश्वत ना है तो बो है। सिंध सरकार जाली डोमिसाइल और पीआरसी जारी थे मामले की जांच लाए आला सतही कमेटी जोड़े छड़ी। घरू खाते जो एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान चाचर सरबरा मुकर्रर कानून वारी वजारत यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स और सर्विसेज खाते जा सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह तरफा जारी कल नोटिफिकेशन में है तो कमेटी मुतासरन सूधो डिविजनल स्क्रूटनी कमेटीज का दरख्वास्तों वसूल कंदी। कमेटी शकी डोमिसाइल रखंदड़ की रहायश या बया तफसील भी हासिल कर सकंदी। कमेटी के डोमिसाइल रद्द करण या दुरुस्त करार देने का भी इख्तियार होंगे। सिंध हाई कोर्ट सेनेट चूंडन में फैसल वाडा की कामयाबी वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दरख्वास्त रद्द कर छी। नवाज लीग तरफा फैसल वाडा के सेनेटर तौर कामयाबी खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दरख्वास्त दाखिल कई वही हुई। अदालत रिमांस लेंदे है तो सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खिलाफ दरख्वास्त कें थी बुधी सके। कराची में केस हलंदड़ हुए हाँ तो यह बी गाल है। इलेक्शन कमीशन के इन वक्त कम कर रोके ना सकूँ। अदालत फैसल वाडा खिलाफ ना अहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हुक्मनामो भी तलब कर वरतो। नवाज लीग फैसल वाडा के सेनेटर तौर कामयाबी वो नोटिफिकेशन रोकने ला इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दाखिल कर छी। जम छोरे पढ़ो बाबा पेपर हुआ सिंध यूनिवर्सिटी में 9 तारीख खड़ी आस अगले महीने की तो मैं निसार शाह इंचार्ज आ टे मू खी एक जगीराणी एक जाफरी असो 20 लख जो 25 जो अस गरीब मूल 20 25 अस पढ़ाई खर्च हर्ष जो मांगप जो दौर आ इरफान समो सखर वो
निसार शाह मिलजुल कर असाजे नंडे के अज शहीद कियो तो यूनिवर्सिटी जो शागिर्द आ शीशन कोर्ट कई हुई से जाम शोर में हैदराबाद हाई कोर्ट पटिशन कई से सुप्रीम कोर्ट कई से निसार शाह 25 लाख रुपया घुरे पड़ो न तो मैं इनके नुकसान दिनों उन्हीं का अची खी इरफान समय सुबह शहीद किया असो डो हो गरीबन जो जुल्म आला इदारन खां असांजी अपील आ बस मेहरबानी करे वने असां सां इंसाफ कयो वने बेकसूर मानू रोज मारिया ता वने ही बे वाजिबी ता मारिया वने हने मानन सा जुल्म तो कयो वने रोड़ी पुलिस के जुर्त मुकाबले में माज वियल इरफान जतोई सिंध यूनिवर्सिटी जो शागिर्द न होजन वारी दावा रद्द यूनिवर्सिटी इंतजामिया दावा कई हुई तो इरफान जतोई सिंध यूनिवर्सिटी जो शागिर्द ना है। टाइम न्यूज शागिर्द इरफान जतोई के यूनिवर्सिटी कार्ड की कॉपी हथ करे वरती स्टूडेंट कार्ड में इरफान जतोई जो रोल नंबर शामिल इरफान जो स्टूडेंट कार्ड डिसंबर साल 2020 के मुद्दे खारिज थो हो शागिर्द के वारसन है इरफान जतोई पेपर दियण ला सिंध यूनिवर्सिटी वो तो पुलिस केस गिरफ्तार किया एसएसपी सखर इरफान समो निसार शाह साजिश तहत नौजवान के जुर्तु मुकाबले में मारे जुल्म कयो निसार शाह रिश्वत न मिलन ते केस कतल करन जो धमकियों दींदो हो वारसन तरफा सिंध के वरे वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट का नोटिस वठी इंसाफ करन जो मुतालबो इरफान मुलविस कें भी एक्टिविटी में को रेगुलर स्टूडेंट हो सिंध यूनिवर्सिटी वो कें भी एक्टिविटी में को बल्कि वो तो इंसानियत रखो मू अदो इरफान जतोई जो कत्ल है असं समझू पाया तो वो सिंध यूनिवर्सिटी के समूर शागिर्दन जो कत्ल है बल्कि पूरी सिंध के शऊर जो कत्ल है। पुलिस पार्टी सिंध यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल के रूम नंबर 13 त अगवा करे यरगमाल करे खणी आया इनकी गिरफ्तारी पिण ॾेखारी वई हुई टिन हफ्तन का पोइ उनके दहशतगर्द ॼाण आहे धाड़ेल ॼाण आहे उनजो मर्डर कयो है। जे शागिर्द के तव्हीं 15 ॾींहं पहिरियां हॉस्टल जे अंदरां खणो था वो सखर में फुरकण की थो अची सके तो एस एस पी इरफान समो के बरतरफ़ कयो वञे निसार शाह के बरतरफ़ कयो वञे ऐं वी सी सिद्दीक़ कलोड़ो ऐं रजिस्ट्रार खे पिण जांच में शामिल कयो वञे। रोड़ी पुलिस के जुर्त मुकाबले में शागिर्द इरफान जतोई के मारण वाले वाक़े से सिंध वासन में ताव पखड़ियल सिंध यूनिवर्सिटी के शागिर्दन जो इरफान जतोई के कत्ल खिलाफ़ एहतजाज हथन में प्ले कार्ड खयल शागिर्दन तरफा हॉस्टल गेट का AC2 बिल्डिंग तई रैली शागिर्द इरफान के जुर्त मुकाबले में मारींदड़ पुलिस अमलदारन खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो सोशल मीडिया से भी वाक़े खिलाफ़ सख्त रद्द अमल ट्विटर से जस्टिस फॉर इरफान जतोई टॉप ट्रेंड बणजी वो सिंध यूनिवर्सिटी मां गिरफ़्तार थियल शागिर्द के जुर्त मुकाबले में मारण वो वाक़ो अदालत का मथाहों कतल करार SSP सखर इरफान समो सूदो जुर्त मुकाबले में शामिल पुलिस अहलकार खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो शागिर्द इरफान जतोई के सिंध यूनिवर्सिटी में गिरफ़्तार करने बाद डील जरिए सखर पुलिस हवाले करने इंकशाफ जरियन जो चवण है तो पुलिस इरफान जतोई के गिरफ़्तार करने बाद कुछ ढी हैदराबाद में रखो जैं बाद कुछ गोह में डील तहत खेस सखर पुलिस हवाले किया वो सिंध के सकाफत खाते फनकारन के सेहत कार्ड जारी करण वारी शर्त में रियायत करे छड़ी सकाफत खाते के वजीर सरदार शाह की सदारत हेठ इंडोमेंट फंड बोर्ड के इजलास दौरान सेहत कार्ड में मुस्तहक फनकारन की उम्र 45 मां घटाए 35 साल मुकर्रर करण जो फैसलो सकाफत खाते चयो है तो सेहत कार्ड में बया समूरा शर्त जी जो तीं बरकरार रहंदा कैफर नाथन शाह भरसान जमीनी तकरार तां बिन धुरन में झेड़े दौरान टिन बारन थी अमर कतल मलाह बरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान हथियारों जो आजादानो इस्तेमाल गोलियों लगन के नतीजे में औरत मसमात सुगरा मारजी वही लाड़कानो भरसान रशीद वगण वाले इलाके में परणियल घी के वठण लाए वयल पी कतल गोठ शेखन की गड़ी में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद गोठाने दीदार शेख के गोलियों जो खाज बणाए फरार इलाके वासन जो चवण है तो मकतूल के परणियल घी साहुरन के रवैये खिलाफ़ शिकायत कई हुई दीदार शेख घी के वठण लाए वयो तो कतुल थी वयो सुप्रीम कोर्ट इरशाद रांझाणी कतल केस में गिरफ्तार जवाबदार रहीम शाह की जमानत दरख्वास्त रद्द कर छी अदालत है जवाबदार जा वकील चाहन जमानत लाए ट्रायल कोर्ट से राबो कर देर थे की बुनियाद से सुप्रीम कोर्ट में जमानत दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सकते।
भिटशा में घर की घिंटी वजाइन ता निंगर ते वेश्याणे तशद्दुद वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। शेखवाड़े में अठन वरन के निंगर अब्बास चन्नो ते वेश्याणो तशद्दुद, घिंटी वजाइन ता घर घणी निंगर के वात में मिर्च भी विझी छड़िया। निंगर के वारसन है तो पुलिस निंगर ते वेश्याणो तशद्दुद कंदड़ जवाबदारन के गिरफ्तार नथी करे। रिपोर्ट दाखिल थियण बावजूद पुलिस असांखे मुख्तलिफ बहाना करे रुलाए रही है। मुबैना तशद्दुद जो शिकार निंगर के वारसन तरफा जवाबदारन के जल्द गिरफ्तार करण जो मुतालबो। गाजी अहमद दौलतपुर शाहपुर जहानिया के टाउन मुलाजिम पघारू न मिलने खिलाफ सरापा एहतजाज फणियल। गाजी अहमद में एहतजाज दौरान टाउन मुलाजिमन तरफा सिंध बैंक आरो कचरो उछलण की कोशिश। यूनियन अगवाणन के रोकण से मुलाजिम कचरो उछलण बिना ट्रैक्टर ट्रॉली का वापस रवाना। पघारू न मिलने खिलाफ नारेबाजी। टाउन मुलाजिमन है तो पघारू न मिलने सबब वो बचन सूधो बुखू काटण से मजबूर हैं। पघारू जारी कर मसला हल क्या वन। तंगवाणी में पुलिस से छेड़े के केस में जवाबदारन के अनोखी सजा। अदालत पुलिस से छेड़ो करण से छहन नौजवानों के एक साल तई मस्जिद की सफाई की सजा बुधा छी। अदालत हुक्म दिनों है तो हर जवाबदार पंजा वण पोखींदो रोजानो पाक किताब की तिलावत भी कंदो। तंगवाणी पुलिस के सजा से अमल यकीनी बनाने जो हुक्म। सजा मिलल जवाबदारन में अली खान मलिक, एजाज वजीर अली, शहमीर सईद, शरबत मलिक शामिल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गुड आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस वरी टियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।